देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउल और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपा। आज का दिन बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज दफा 370 और 35 ए पर जो है फाइनल डिसीजन आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका जो पूरा ये 15 दिन की जो बहस चली थी उसको लेकर आज जो है दफा 370 और 35 ए पर सुनवाई नहीं बल्कि डिसीजन, लास्ट डिसीजन होने जा रही है। इस पर जब आप देख रहे हैं कि अलग अलग सियासी जो लीडर्स हैं वो अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं, मगर जो आम आवाम का जो आम आवाम है उनका क्या कुछ कहना था वो भी आपने, जब से 370 और 35 ए को तोड़ा गया तब से आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो बातें हैं सामने आई। लोगों का कहना था कि जब 370 और 35 ए को तोड़ा गया ये बिल्कुल गलत तरीके से तोड़ा गया था। चाहे आप किसी लीडर्स की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जो थी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35 ए को तोड़ा जो गया था वो अच्छे ढंग से तोड़ा गया, नहीं ठीक किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। मगर बाकी जितनी भी यहाँ की पार्टीज हैं उनका ये कहना था कि दफा 370 और 35 ए को गलत तरीके से तोड़ा गया है, यानी यहाँ के लोगों को नहीं पूछा गया, यहाँ की सियासी लीडरांस को नहीं पूछा गया। ये सब बातें जो है मंजरे आम पर आ रही थी। अब जो है आज 370 और 35 एक फाइनल डिसीजन आने वाला है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो वाइस चेयरमैन है गुलाम अहमद सरूड़ी वो भी सुबह सुबह आए और मीडिया के सामने जो है कुछ बातें रखी। उनने कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35 ए को तोड़ा गया है वो बिल्कुल गलत तरीके से तोड़ा गया। उन्होंने आज का दिन जो है वो लोगों के लिए ये कहा कि वो अमन अमान बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हर किसी को एतमाद है, जो भी डिसीजन आएंगे वो हमारे हक में ही आएंगे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की है कि आज का जो दिन है वो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए का नया इतिहास देखने को मिलेगा। आज क्या कुछ जीएम सरूड़ी का कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। 370 और 35 ए बारे में जो जजमेंट रिजर्व रखी गई थी आज उसका फाइनल फैसला है, जो कि 10:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी और उसके साथ बाकी जजेस जो है उन्होंने मंजर आम पे लाना है। हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, 1,40,00,000 लोगों के सेंटिमेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं। इंतजार की घड़ियां बड़ी नाजुक हैं। हम परवरदिगार से, भगवान से दुआ करते हैं कि हमारे दिल की ख्वाहिशात, हमारी पहचान, हमारी जान, हमारे इस पूरे जम्मू कश्मीर की लोगों की तड़प ख्वाहिशात के मुताबिक यह फैसला होना चाहिए और हमें 370 35 से वापस मिलना चाहिए। लिहाजा यही हमारी दुआ है अल्लाह ताला से, भगवान से, कि जो आज इस रियासत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन तमाम मुश्तरका तौर पे ये चाहते हैं कि फैसला हमारे हक में हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली जो है उसने ये पास किया है, उसके इख्तियारात गवर्नर को दिए गए, वो नाशायस्ता और मैं कहूँगा कि वो गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लिहाजा उस पे जो बहस हुई है 16 दिन, उस बहस से ये मालूम होता है कि इंशाल्लाह खुदा करे, भगवान करे कि ये फैसला जो है 1,40,00,000 जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में हो, ताकि हमारी ज़मीनें बच सके, हमारे मकानात बच सके, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, बाहर के लोग यहाँ नौकरी न करने आए, और इसके साथ जो हमारी पूरी वाबस्तगी है अरसा दराज से वो बरकरार रहे। बस ये लम्हे जो है बड़ी मुश्किलात के हैं और इन दमों का इंतज़ार है, इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में होगा।